Hey everyone, I'm Deepankar and welcome back to my channel. So 6th May को release होने वाला है Doctor Strange The Multiverse of Madness, तो यही सही वक्त है Doctor Strange का एक नया portrait draw करने का. So इसीलिए मैं इस movie का एक बहुत ही unique poster यहाँ पर ले लिया है और उसको हम खुद के तरीके से modify कर लिया है थोड़ा. देख ही सकते हो कि भीतर का जो Doctor Strange का जो face है वो color में है और background में जो ऐसे glass का जो effect है वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया है. तो ये वाला जो एक्सक्लूसिव पोस्टर है वो मैंने एक्सक्लूसिवली एडिट किया है, तो ये आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा. तो जो ड्राइंग है वो भी बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है. सो यहाँ पर पूरा आउटलाइन ड्राइंग मैं लूमिस मेथड में करने वाला हूँ और लूमिस मेथड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोस्टर है उसके ऊपर मैं मार्किंग भी यहाँ पर कर लिया है. तो ये वाला मार्किंग किया हुआ फोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वो देखकर जैसे मैं लूमिस मेथड के अप्लाई कर रहा हूँ वैसे ही अप्लाई करके आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हो. तो चलो ड्राइंग अब शुरू करते हैं. यहाँ पर रेफरेंस फोटो में मैंने देखो जो लूमिस मेथड का मार्किंग्स किया है वो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर है उसके ऊपर लाना है. मैं यहाँ पर ग्रे पेपर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग व्हाइट पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो. तो आप लोगों को सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो उसके लिए आप लोग ऐसे कोई ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फ्री हैंडली भी कर सकते हो. तो सर्कल हो जाने के बाद आप लोगों का जो ये वर्टिकल लाइन है फेस के ऊपर उसे ड्रॉ करना है और उसका जो कर्व है वो ठीक से लाना है. उसका पोजीशन क्या होगा और उसका एंगल क्या होगा वो आप लोगों को रेफरेंस शॉट में देखकर चेक कर लेना है. क्योंकि ये थोड़ा एंगल्ड फेस है तो इसमें जो लूमिस मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है. तो आप लोगों को अच्छे से टाइम देकर ये सब मार्किंग्स बनाना है. लूमिस मेथड में जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोगों को सर्कल के अंदर 6 समान हिस्सों में डिवाइड करना होता है और सर्कल के बाहर एक और हिस्सा होता है सेम साइज़ का. तो इसको आप लोग ऐसे बड़े बड़े 3 समान हिस्से और उसके ऊपर छोटा एक हाफ हिस्सा ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. उससे क्या होगा, नीचे ऐसे 3 जो हॉरिजेंटल लाइन है वो बन जाएगा और ऊपर की तरफ थोड़ा हिस्सा बच जाएगा. तो ऐसे ही आप लोगों को जो पूरा प्रोपोर्शन है वो ड्रॉ कर लेना है और ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप लोग जो आउटलाइन ड्राइंग है फेस का वो शुरू कर सकते हो. किसी भी फेस में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो नाक का हिस्सा है उससे आप लोग ड्रॉ करना शुरू करो, क्योंकि वो पूरा फेस में एकदम मिडिल में होता है. तो मिडिल से अगर आप लोग ड्रॉ करना शुरू करोगे तो उसका जो प्रोपोर्शन है मतलब कौन सा एरिया कितने ऊपर नीचे होगा वो ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है. सो पहला स्टेप था प्रोपोर्शन ड्राइंग. सेकेंड स्टेप है आप लोगों को बेसिक शेप ड्रॉ करना है. यहाँ पर देखो मैं जो भी लाइंस दे रहा हूँ वो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं है, मैं स्ट्रेट लाइंस में थोड़ा जो शेप है वो बना ले रहा हूँ और डिटेलिंग मैं बाद में करूँगा. यहाँ पर आप लोग ड्राइंग के लिए HB या फिर 2A पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा डार्क पेंसिल का इस्तेमाल मत करो तो ही बेहतर है. नाक और आईब्रोज हो जाने के बाद आप लोग जो लिप्स का पोर्शन है वो पहले कर ले सकते हो. मैं ड्राइंग के समय जो आईज़ है वो सबसे बाद में करना ही प्रेफर करता हूँ. तो आप लोग आपका जैसे मर्जी हो ऐसा कर सकते हो, पर आपका जो रेफरेंस फोटो है उसमें जो जो ऐसे प्रोपोर्शंस के लाइंस है उसको अच्छे से फॉलो करो. एक बात है कि ये जो लूमिस मेथड का लाइंस है वो आप लोगों को एज ए ग्रिड ही हेल्प करेगा. तो ये लाइंस वाला जो फोटो है वो आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वो देखकर करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो फाइनली आप लोग जो आँख का पोर्शन है वो ड्रॉ कर ले सकते हो. यहाँ पर ड्राइंग के समय आप लोग अच्छे से देखो, मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में पूरा जो आँख का ऊपर और नीचे का कर्व है वो बना लिया था पहले. कर्व लाइन मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में करूँगा फाइनल जब डिटेलिंग दूंगा तब. अब स्ट्रेट लाइंस में ही ड्रॉ करो और ये ड्राइंग हो जाने के बाद जो ग्लास का इफेक्ट है चारों तरफ का टूटे हुए ग्लास का, तो वो मैं कर दे रहा हूँ. ये पूरा जो ड्राइंग है बहुत ही अलग टच देगा ड्राइंग को, तो ये ज़रूर अच्छे से कर लेना और शेप जो है वो अच्छे से सिंक हो रहा है एक के साथ दूसरा. कांच का जो एंगल है वो ये भी आप लोग ज़रूर अच्छे से नोटिस करके करना. तो सेकेंड स्टेप में मैंने हल्के से पूरा ड्राइंग कर लिया है. अब फाइनल स्टेप, इस स्टेप में मैं क्या करूँगा, थोड़ा एक डार्क पेंसिल लूँगा 3B हो गया या फिर 4B,
उससे जो पूरा ड्राइंग है उसे अच्छे से कर लूँगा, और करने के समय जो प्रोपोर्शंस के मार्किंग्स थे वो मैं धीरे धीरे मिटा दूंगा, क्योंकि उसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हो जाने के बाद आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हाँ जो ड्राइंग है वो ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, फेस मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया है तो आप लोगों को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड स्टेप में सिंपली उसे थोड़ा डार्क करके ड्रॉ कर दो और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसे मिटा दो, तो ऐसे ही आप लोगों का जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो ग्लास के ऊपर भी थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्शंस है आँख का या फिर फेस के बाकी जो एरिया है उसका, वो भी आप लोग बना लो, तो उससे ये जो पूरा ड्राइंग है उसका एक अलग लुक आ जाएगा। सो ऐसे ही पूरा जो आउटलाइन ड्राइंग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मेरा किया हुआ ड्राइंग और जो रेफरेंस फोटो है वो सभी का डाउनलोडेबल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वैसे जाओ डाउनलोड करो और जल्दी से ड्राइंग शुरू कर दो, क्योंकि सिनेमा रिलीज होने से पहले ही मेरा जो कलर का वीडियो है वो भी आ जाएगा, तो वो आने के बाद आप लोग कलर भी जल्दी से कर सकते हो। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसका जो कलरिंग का वीडियो है उसमें। सो आउटलाइन ड्राइंग शुरू कर दो, एंड ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।